मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडे साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। बेलमकोंडा श्रीनिवास की नवीनतम फिल्म अलूरु अधर्स की महीने की 14 तारीख को रिलीज हुई है। संतोष श्रीनिवास फिल्म के निर्देशक हैं और नाभा नतेश ने इस परियोजना में मुख्य भूमिका निभाई है। अनु इमैनुअल को एक और महत्वपूर्ण भूमिका में देखा गया था। अलूरु अधर्स संक्रांति रिलीज के बीच एक कमजोर कड़ी के रूप में समाप्त हो रहा है। अन्य सभी तीन फिल्में शालीनता से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अलूरु अधर्स को आलोचकों के साथ फिल्म में सामग्री को लुभाने के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली है। यहां तक कि बेलमकोंडा श्रीनिवास के अभिनय को नकारात्मक समीक्षा मिली है। बता दें कि बेलमकोंडा के करियर में अलूरु अधर्स एक और फ्लॉप के रूप में समाप्त होने जा रहा है। टॉलीवुड में बेलमकोंडा के हालिया फिल्म रंका शुड्डू फ्लॉप में समाप्त हो गए। वह इस साल छत्रपति रीमेक के साथ बॉलीवुड में जा रहे हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।